दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है दुगड्डा के आदमखोर बाप की। इस घटना के 8 भाग पूरे हो चुके हैं, अब हम चलेंगे 9वें भाग की तरफ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि 2-3 बार कोशिश होने के बावजूद बाघ को मारा ना जा सका। अब इसके बाद क्या हुआ, हम लोग यही जानेंगे। वायलर साहब की छुट्टियां खत्म होने वाली थी और दूसरी तरफ बारिश मानसून भी शुरू होने वाला था। अच्छा, उत्तराखंड के इस एरिया में जून के दूसरे हफ्ते से लेकर सितंबर के अंत तक बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से जगह जगह इसका पर ये लैंडस्लाइड हो जाता है, चट्टानें गिरती रहती हैं, गधेरे, नाले, नदियाँ ये सब उफान मारते हैं, इनका पानी का लेवल बहुत बढ़ जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल और बहुत कठिन हो जाता है। और इस तरह के मौसम में शिकार अभियान को जारी रखना भी बहुत मुश्किल था। तो इन सभी बातों पर विचार करने के बाद वायरल साहब और इमाम साहब ने इस अभियान को बंद करने का फैसला ले लिया। कहा, जी बंद करो जी, नहीं हो पाएगा ये अभी। इसके बाद इन दोनों लोगों ने अपने शिकार अभियान के लिए जो कटरे उन इलाकों के जंगलों में बंधवा रखे थे जहाँ बाघ था, उन्हें छोड़ दिया गया। हेमल नदी के किनारे जंगल में जो 2 कटरे बांधे गए थे उन्हें भी छोड़ दिया गया। छोड़ दिया गए। वो दुगड्डा से कैंप हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई थी, सामान भी पैक किया जाने लगा था। 10 जून 1977 को इमाम साहब और वायलर साहब कटरा निरीक्षकों और वो लोग जो हाका अभियान में शामिल थे उन लोगों का पेमेंट करने के लिए बड़ेत पहुँचे। ये पंडित पहुँचे ही थे कि इनके सुपरवाइजर गंभीर सिंह जी जो थे उन्होंने बताया कि पिछली रात साहब हेवल नदी के किनारे में जो कटरे छोड़े गए थे उनमें से एक को बाघ ने मार डाला है। अब ये दोनों लोग हेवल नदी को पार करके गंभीर सिंह जी के साथ उस जगह पर पहुँचे जहाँ बाघ ने कटरे को मारा था। कटरे के गले पर आदमखोर के कैनाइन दांतों के निशान थे, 1 साबुत और 3 टूटे हुए। ये देखकर इमाम साहब और वायलर साहब ने एक बार और सोचा कि इस बाघ को चलो यार एक कोशिश और करी जाए मारने की, एक बार और कोशिश करते हैं, मिल गया तो मारते हैं इसको। तो कटरे की लाश जो है हेवल नदी से करीब 15 फीट दूर झाड़ियों में पड़ी हुई थी। बाघ ने कटरे को पीछे की ओर से काफ़ी मात्रा में खा लिया था, उसका मांस जो है काफ़ी मात्रा में खा लिया था। वायलर साहब और इमाम साहब नदी के दोनों किनारों पर बाघ के पंजों के निशान ढूंढने लगे जिससे पता चल सके कि बाघ किस डायरेक्शन में गया है। हेवल नदी के दोनों तटों पर जो है बड़े बड़े गोल और वो पत्थर होते हैं ना, चट्टान नुमा छोटे बड़े, जैसे नदियों के किनारे अमूमतः पड़े रहते हैं, तो उस वजह से इनको बाघ के पंजे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अब बाघ के पंजों के निशानों को ढूंढते हुए वायरल साहब तिमली गाँव की ओर जाने वाले रास्ते पर चलने लगे। वो उस रास्ते पे ढूंढने लगे जो रास्ता तिमली गांव को जाता था, और इमाम साहब जो है ये बड़ेत गांव की ओर जो जाने वाला रास्ता था इस पर जो है बाघ के पंजों को ढूंढने लगे। दोनों अपनी अपनी अलग अलग डायरेक्शन में। हेवल नदी से लगभग 150 मीटर दूर इमाम साहब को बाघ के पंजों के निशान मिल गए, उनकी नज़र में आ गया, अरे ये यार ये निशान है यार। इन निशानों को देखकर ये महसूस हो रहा था कि बाघ गयड्डा गधेरे की तरफ गया हुआ है। इधर वायलर साहब को भी बाघ के पंजों के निशान दिख गए, उनको भी दिखाई पड़े पांव के निशान, पंजों के निशान बाघ के, लेकिन वो तिमली गांव की तरफ से कटरे की ओर आने के थे, यानी कि वो कटरे की तरफ आया था, तिमली की तरफ से आया था, इसको मारा था, इसको मार के खाया था, खाने के बाद में गयड्डा गधेरे की ओर चला गया था। इमाम साहब और वायलर साहब ने आपस में विचार विमर्श किया और एक निर्णय में पहुंचे कि बाघ जो है ये तिमली की तरफ से आया था, शिकार को मारकर गयड्डा गधेरे की ओर अपना निकल गया है। इन लोगों ने डिसाइड किया कि गयड्डा गधेरे के पास वाले जंगल में हाका लगाया जाए। हाका लगाने के लिए गंभीर सिंह, संजरू, प्रकाश, जगदीश, बसारत अली, सलीम, इनके अलावा कुछ अन्य लोगों का भी इंतजाम किया गया। वहीं गाँव गाँव से और आसपास से लोगों को भीड़ को जुटाया गया ताकि हाका लगाया जा सके।
हाके की जो ये व्यूह रचना थी, व्यूह रचना ही कहूँगा, कुछ इस तरह से की गई। यदि बाघ जो है तेंदुआ गुलदार बाई ओर से निकले तो वायलर साहब उस पर फायर करेंगे, और वो अगर दाहिनी ओर से आए तो इमाम साहब उसको निशाना बनाएंगे। तो ये इन लोगों की प्लानिंग थी, ये इन लोगों ने प्लान किया, अच्छी प्लानिंग थी। हाके के लिए जो जंगल चुना गया था यार, वो मैदानी क्षेत्रों की तरह समतल तो था नहीं, वो तो एक पहाड़ी ढलान पर था जैसे पहाड़ों के होते हैं। इमाम साहब और वायलर साहब जो ढलान थी उसके निचले सिरे पर खड़े थे, यानी कि जहाँ पे गैड्डा का गधेरा था उस तरफ को, जबकि हाँका लगाने वालों ने पहाड़ी के ऊपर से हाँका लगाना शुरू कर दिया था। अब वो अपना ढोल दमवा पीटते हुए, कनस्टर पीटते हुए, पत्थर मारते हुए, शोर शराबा करते हुए आगे बढ़ने लगे। इमाम साहब का ऐसा अनुमान था कि नरभक्षी कि ठीक उनके सामने से कहीं से निकलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उनका अनुमान था कि ये ऐसा होगा कि ये मेरे सामने से ही कहीं से निकलेगा। वायलर साहब से लगभग 70 मीटर की दूरी में एक घनी झाड़ी थी, बाघ जो है उस झाड़ी से निकला और बहुत तेजी से घने जंगल की ओर दौड़ पड़ा। इमाम साहब तो उसे देख नहीं पाए, लेकिन वायलर साहब की नज़र उस पर पड़ गई। उन्होंने उठाई गन और लेकर के तुरंत लिया, टारगेट बनाया और उस पर धाएं चला दी गोली। फायर होते ही बाघ कुछ सेकंड्स के लिए तो रुका, फिर लुढ़कता हुआ पहाड़ी से नीचे ढलान की तरफ जाने लगा। वायलर साहब की नज़रों में था, तो वायलर साहब ने तुरंत उसके ऊपर 2 फायर और दाग दिए, धाएं धाएं लगातार एक के पीछे एक। बाघ जो एक ऊंची चट्टान से लुढ़का और लगभग हवा में तैरता हुआ सा, जैसे हवा में तैर रहा हो जैसे तैरता हुआ सा नीचे भड़ाम से नीचे आके गिरा। अब तक इमाम साहब की नज़र भी बाघ पर पड़ चुकी थी, लेकिन उनके साथ एक दिक्कत आ रही थी, वो बाघ को टारगेट नहीं कर पा रहे थे, निशाना नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि हो क्या रहा था, बाघ और उनके बीच में वायलर साहब आ जा रहे थे। अगर वायलर साहब नहीं होते तो वो भी बाघ पर निशाना लगा सकते थे, तो एक स्नूकर लग जा रहा था, एक स्नूकर गेम होता है ना, स्नूकर लगाते थे, वही हो जा रहा था कि सर दोनों के बीच में वायलर साहब आ जा रहे थे। चट्टान से नीचे गिरकर बाघ इमाम साहब की तरफ दौड़ा, इमाम साहब ने तुरंत उस पर जो है फायर किया। अब इससे पहले इमाम साहब उस पर दूसरी गोली चलाते, वो उनकी आंखों से ओझल हो गया जी, मतलब बड़ी तेज़ी के साथ वो अंदर जंगल की तरफ भाग निकला। तो तेज़ी तो बहुत होती है यार बाघ के अंदर। इमाम साहब और वायलर साहब दोनों ही लोग बड़ी तेज़ी से उस दिशा में दौड़े जहाँ पर बाघ को पहली गोली मारी गई थी। पहली बार जब बाघ दिख के गोली मारी गई थी उस तरफ दौड़े, वहाँ पर उन्हें खून की कुछ ब्लड ट्रेसेस दिखाई पड़े, कुछ खून की बूंदें गिरी हुई थी, लेकिन इसके अलावा कहीं और कहीं भी खून का कहीं कोई कतरा इन्हें दिखाई नहीं पड़ा, यानी बाल दिख जाते या कुछ मांस का टुकड़ा मिलता है, कुछ ही नहीं मिला जी। इसका मतलब यह था कि वायलर साहब की पहली गोली उसे लगी तो थी, अब लगी क्या थी ये समझिए कि उसकी स्किन को टच करते हुए निकल गई थी, एक खुरचन सी मारती हुई निकल गई थी। इस गोली से बाघ को कोई गहरा घाव तो हुआ नहीं था, और ना ही कोई ऐसी कोई गंभीर या बड़ी चोट लगी हो जिससे कि वो प्रॉब्लम में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हल्की सी खुरचन थी बस और कुछ नहीं। इसके बाद वायलर और इमाम साहब उस डायरेक्शन की तरफ गए जिस तरफ से बाघ भागा था, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उन्हें ना तो कहीं खून की बूंद दिखाई पड़ी और ना ही कहीं उसके कोई किसी तरह के निशान। इस जगह की जमीन भी पथरीली थी, ये एरिया मैंने आपको बताया ना, पूरा पथरीली एरिया था, ये पथरीला एरिया था, तो इस जगह की जमीन भी पथरीली थी, तो पंजों के निशान नहीं मिल रहे थे। अब ये पता करना थोड़ा मुश्किल था कि बाघ जो है किस दिशा की ओर चला गया, मतलब किस डायरेक्शन में गया हुआ है, बड़ी प्रॉब्लम थी। शाम ढलने तक, मतलब शाम होने तक गैड्डा गधेरे के आसपास के जितना एरिया का जंगल था, जितना एरिया था उसका चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन बाघ या उसका कोई निशान या कहीं खून की बूंद कहीं कुछ नहीं मिला। फिर उसके अगले दिन बाघ की तलाश का जो दायरा था वो हेवल नदी और बड़े गांव तक बढ़ा दिया गया।
चलो थोड़ा और एरिया को बढ़ाओ और ढूंढो। हेवल नदी और गया गधेरे के आसपास की एक एक गुफा, एक एक खो, उनको भी अच्छी तरह से ढूंढ डाला गया। हालांकि कुछ गुफाओं में बाघ के द्वारा मारे गए जानवरों के अवशेष जैसे हड्डियां वड्डियां ये सब तो जरूर मिली, लेकिन बाघ नहीं मिला। गुफाओं में जो हड्डियां मिली उससे एक बात तो स्पष्ट हो रही थी, मतलब एक बात क्लियर हो रही थी कि बाघ इन गुफाओं को रहने के लिए अपने उपयोग में लाता है। मतलब कहने का मतलब ये कि वो इन गुफाओं में कभी भी आके रहता है, ये क्लियर हो रहा था। खैर फाइनली वायलर साहब और इमाम साहब बहुत ही हताश और निराश मन से अपना दुगड्डा की ओर वापस चले गए। होना ही था यार, निराशा तो मिलनी थी, जब काम नहीं हुआ तो निराश होना ही था। रास्ते में कुछ देर के लिए इन लोग कांडा खाल में रुके, तो कांडा खाल पे इन्हें गढ़वाल के एक हिंदी साप्ताहिक पत्र के संवाददाता मिले। उन्होंने इच्छा जाहिर की वो वायरल साहब से इंटरव्यू लेने की कि साहब मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, क्या आप इंटरव्यू देंगे? अब वायलर साहब को क्या प्रॉब्लम हो सकती थी, तो उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। उन्होंने कहा ठीक है भाई ले लो इंटरव्यू, हाँ ही भर दी उन्होंने। तो अब संवाददाता ने उससे जो है पहला सवाल पूछा कि व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ योर कैंपेन, मतलब आपके अभियान का क्या परिणाम हुआ, क्या रिजल्ट निकला आपके जो आप ये जो कर रहे थे इसका अभियान, इसका क्या रिजल्ट रहा? तो वायरल साहब ने जवाब दिया, ड्यूरिंग द कैंपेन आई सॉ द एनिमल ट्वाइस, आई ट्राइड माई बेस्ट टू स्नैप द एनिमल ऑफ बोथ द एक्सेस बट अनफॉर्चुनेटली फेल्ड। मैंने अपने अभियान के दौरान आदमखोर को दो बार सामने से देखा और दोनों अवसरों पर मैंने उसे गोली मारने की कोशिश की, ये मैं हिंदी में उसका अर्थ आपको बता रहा हूँ, पर दुर्भाग्यवश सफल ना हो सका। ये हिंदी में अर्थ ये निकलता था, जो उन्होंने इंग्लिश में बोला उसका अर्थ ये निकलता था। एक्चुअली वायलर साहब को हिंदी नहीं आती थी, तो संवाददाता से उनको अंग्रेजी में ही बातचीत करनी पड़ रही थी। अच्छा जो संवाददाता महोदय थे इनकी जो अंग्रेजी थी वो भी थोड़ा काम चलाओ ही थी, तो उन्हें लगा स्नैप शब्द का मतलब, उन्हें स्नैप शब्द का एक ही अर्थ पता था कि स्नैप मतलब फोटो खींचना। तो संवाददाता ने अपने हिसाब से अर्थ लगाया कि वायरल साहब ने दो बार आदमखोर को आमने सामने देखकर उसका जो है फोटो खींचने की कोशिश की, जिससे दुर्भाग्यवश वो सफल नहीं हो सके, मतलब उसकी फोटो खींचने में वो सफल नहीं हो सके। ये संवाददाता महोदय ने अपना दिमाग लगा के, तो संवाददाता महोदय ने अर्थ का अनर्थ करते हुए अपने साप्ताहिक पत्र में ये रिपोर्ट भेज दी कि बिहार के प्रसिद्ध शिकारी इमाम साहब और उनके अमेरिकी साथी वायलर साहब का दो बार आदमखोर से आमना सामना हुआ और दोनों बार वायलर साहब ने आदमखोर की फोटो खींचने की कोशिश की पर सफल नहीं हो पाए, और इमाम साहब ने यह सोचकर बाघ को गोली नहीं मारी कि पहले वायरल साहब जो है बाघ का फोटो तो खींच लें फिर वो जो है आदमखोर को गोली मार देंगे, लेकिन इतनी देर में आदमखोर जंगल में गायब हो गया। तो मतलब यार सच में यार ये तो मतलब अर्थ का अनर्थ ही हुआ ना यार, कहा कुछ लिखा कुछ। वाकई में अल्प ज्ञान वाकई में बहुत ही खतरनाक यार होता है, ये अल्प ज्ञान नहीं होना चाहिए, ये बहुत बहुत खतरनाक साबित होता है जब भी होता है। तो अरे यार संवाददाता महोदय को अगर थोड़ी अंग्रेजी कम आती थी तो वो इमाम साहब से मदद ले लेते, उनसे हेल्प ले लेते, भाई बताओ क्या कहना चाह रही है, तो उससे कम से कम ये झूठी खबर तो नहीं उड़ती यार। खैर 12 जून 1977 को
वायलर साहब अमेरिका के लिए रवाना हो गए और उसके एक दिन के बाद तो उसके नेक्स्ट डे अगले दिन इमाम साहब भी अपना कैंप हटाकर अपने बिहार हजारीबाग के लिए वो भी निकल गए। उन्होंने कहा आप क्या मानसून के टाइम में बरसात में यहाँ पे क्या करना है। इमाम साहब और वायलर साहब हालांकि बाघों को मारने में असफल रहे थे मगर वो आदमखोर की सही पहचान बताने में सफल रहे थे और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ये गवर्नमेंट के लिए भी, लोगों के लिए भी और खुद उनके लिए भी। उनके अनुसार बाघ नरभक्षी इसलिए हुआ था कि उसके 3 कैनाइन दांत टूट गए थे जिस वजह से वो जानवरों को नहीं मार पा रहा था और अपना यार पेट तो भरना ही होता है, हर एक को भरना होता है, हम तुम सब दुनिया में सभी लोग पेट भरते हैं, तो इस तरह से बाघ को भी अपना पेट भरने के लिए वो इंसानों पे घात लगा रहा था। इस गुलदार के कैनाइन 3 कैनाइन दांतों से मुझे मछली की याद आ गई। ये मछली का मतलब मछली जल की रानी है वाली फिश नहीं दोस्तों, मछली नाम की एक बहुत बड़ी और बहुत सुंदर बाघिन थी। एक बाघिन का नाम था मछली, उसके ऐसे मछली बनी हुई थी यहाँ पे, जो रणथंबोर के नेशनल पार्क में थी। इसका नाम गिनेज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है। अब तक जितने भी बाघों के फोटो खींचे गए, चाहे वो जिम कॉर्बेट हो, दुनिया के किसी भी नेशनल पार्क में किसी भी बाघ के जितने फोटो खींचे गए हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ्स इसी मछली बाघिन के खींचे गए हैं। इसे क्वीन ऑफ लेक्स भी कहा जाता था, उस के एरिया में लेक्स भी बहुत थी तो क्वीन ऑफ लेक्स। और ये एक सेलिब्रिटी टाइग्रेस थी, सेलिब्रिटी होने का दर्जा इसे प्राप्त था। दोस्तों ये बहुत ही ताकतवर और बहुत ही नीडर थी। पूरी दुनिया के वाइल्ड लाइफ लवर्स और टाइगर लवर्स इसको सिर्फ एक झलक देखने के लिए रणथंभौर आते थे। इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ा अचीवमेंट था इसका कि इसने लगभग 3 घंटे तक लगातार लड़ते हुए एक बहुत बड़े मगरमच्छ को मार दिया था, जबकि मगरमच्छ की बॉडी जो है लोहे की तरह होती है, मार दिया था उसको। हालांकि इस लड़ाई में मछली के भी 3 कैनाइन दांत टूट गए थे, इसके भी 3 दांत टूट गए थे, लेकिन ये फिर भी मैन ईटर नहीं बनी बल्कि अपनी उसी शान और निडरता से ये अपनी टेरिटरी में राज करती रही और करीब 19 साल तक जीवित रही और अपनी पूरी आयु लेकर के स्वाभाविक मौत मरी। जबकि जंगल में एक टाइगर की क्या 14 से 15 सालों तक की लाइफ होती है, 19 साल बहुत होता है, पूरी जिंदगी जी के मरी। जब तक ये जीवित थी तब तक नेशनल पार्क जो वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट या वाइल्ड लाइफ लवर्स जो इसको देखने के लिए आते थे उनसे हर साल करोड़ों रुपया कमा रही थी। मतलब इतनी अर्निंग उसकी हो रही थी कि वो, खैर दोस्तों मछली की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, वो मैं फिर कभी आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगा। लंगड़ा है, कनकटा है, इन सब की कहानियाँ आपको ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन बाद में। फिलहाल तो दुगट्टा के आदमखोर की कहानी का आप लोग आनंद उठाइए। अली साहब, मतलब डॉक्टर अख्तर अली साहब, जिन्होंने ये किताब लिखी है जिससे मैं आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ, उन्होंने इमाम साहब से एक बार पूछा कि बाघ के कैनाइन दांत टूटने के क्या कारण हो सकते हैं, किस वजह से इसके दांत टूटे हुए होंगे। तो इमाम साहब ने बताया कि बाघ जो है काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, मतलब तो काफ़ी एजेड हो गया है, और जिस तरह से उम्र बढ़ने पर हम इंसानों के दांत टूटते हैं वैसे ही जानवरों के भी टूटते हैं, वही जानवरों के साथ भी होता है, और इस वजह से इस बूढ़े बाघ को जानवरों को मारने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि जानवरों के जो गले की जो त्वचा होती है ये थोड़ा सख्त होती है और सख्त त्वचा में टूटे हुए कैनाइन दांतों को वो गढ़ते नहीं है, वो दिक्कत आती, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ताकत, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जानवर बच जाता है। जबकि इंसानों की त्वचा बहुत मुलायम होती है, आप देखिए ना कितनी सॉफ्ट है, अगर एक बाघ पकड़ ले तो कुत्ता ही पकड़ ले, बिल्ली पकड़ ले तो सॉफ्ट होती बहुत, और बाघ जो है टूटे हुए कैनाइन दांत होने के बावजूद इंसान को आसानी से मार लेता है और आदमखोर बन जाता है, सीधे ही पकड़ता है ना वो, ये बस ये जो मेन नसें इनको बंद कर देता है।
वायलर साहब और इमाम साहब के जाने के बाद जब संवाददाता की रिपोर्ट जिसने वायलर साहब का इंटरव्यू लिया था वो छपकर लोगों के सामने आई, तो लोगों पर इस रिपोर्ट का बहुत ही निगेटिव, मतलब क्या कहें यार, बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि खबर ऐसी छप गई थी। इमाम साहब और वायलर साहब के प्रति लोगों के मन में बहुत गुस्सा, बड़ा आक्रोश और बहुत खुंदक पैदा हो रही थी यार, किस तरह के शिकारी हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, ये है वो है, और अनाप शनाप बोल रहे थे। अब स्वाभाविक है यार, जो पढ़ेगा वो तो यही कहेगा, इस पर लोगों की भी गलती ही नहीं। और ये वही लोग थे जो सच्चाई से परिचित नहीं थे, जो ये सब अफवाहें उड़ा रहे थे, गलत बातें कर रहे थे अखबार पढ़ के, जबकि वो लोग जिन्होंने इमाम और वायलर साहब को कड़ी धूप में जंगलों में भटकते हुए देखा था, हाकत लगाते हुए देखा था, या खुद हाके में शामिल हुए थे, किस तरह से कितना गर्मियों में कहाँ धूप में तप तप के कैसे वो भटक रहे थे जंगलों में, और जानते थे कि वायलर साहब फोटो नहीं खींच रहे थे बल्कि गोलियां चला रहे थे, वो लोग संवाददाता की इस गलत रिपोर्टिंग से बड़े गुस्से में थे। इसने यार अच्छा मजाक करके रखा हुआ है, जिनको पता है उन्हें तो गुस्सा आएगा ही ना, आप सच्ची खबर आपको बताओगे तो आपको गुस्सा आएगा नेगेटिव गलत रिपोर्टिंग को देख के। तो खैर, दुर्घटना से वापस जाते समय वायलर साहब ने इमाम साहब से कहा था कि अभी तो वो जा रहे हैं, मगर बरसात के बाद वो अपने विभाग से छुट्टी लेकर फिर इस आदमखोर ये मैनेजर को मारने के लिए आना चाहते हैं। इमाम साहब ने भी उनसे वादा किया कि बरसात के बाद कोई सही समय में वो आदमखोर के शिकार का एक और प्रयास करेंगे, और जब भी उनका कार्यक्रम बनेगा वो वायलर साहब को जरूर सूचित करेंगे। और इस तरह से ये दोनों शिकारी मित्र आदमखोर को मारने की एक और कोशिश की हसरत लिए हुए दुगड्डा को टाटा बाय बाय गुड बाय बोल के वहाँ से विदा हो गए। अब क्या करना था वहाँ पे रुक के भी इन्होंने, दोस्तों ये लोग तो विदा हो गए थे लेकिन बाघ तो वही था, मैनीटर तो वही था। 13 जुलाई 1977 की रात को करीब 8 बजे बड़ेद गांव के निवासी श्री भगवती प्रसाद जी का, उनकी वाइफ जो इसकी उम्र करीब 35 साल की थी, वो गौशाला से अपने कमरे की ओर जा रही थी कि अचानक बरामदे में एक अंधेरे कोने से छलांग मारकर आदमखोर बाघ ने उसकी दाहिनी जांघ को पीछे से अपने मुंह में दबोच लिया, पकड़ लिया पीछे से उसकी जांघ को। और जब उसने देखा और शोर मचाना शुरू किया तो भगवती प्रसाद जी और कुछ अन्य लोग उसकी ओर दौड़ते हुए आए, और जब बाघ ने देखा कि यार बहुत सारे लोग उसकी ओर दौड़ते हुए आ रहे हैं तो उसने उनकी वाइफ को वैसी घायल अवस्था में छोड़ा और अपना भाग गया। तो भगवती प्रसाद जी की जो पत्नी थी उनकी जो जांग थी बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी और उससे बहुत ज़्यादा खून उनका बह रहा था, जिनको अस्पताल या जो भी नियर बाय जो भी मेडिकल सेंटर जो भी रहा वहाँ ले जाया गया होगा। और आपको याद होगा 4 अप्रैल 1977 की रात 7:30 बजे के आसपास सिमलखाल गाँव में बेलम सिंह के 12 वर्षीय लड़के के ऊपर बाघ ने हमला कर दिया था, याद है आपको। इस घटना के ठीक 3 महीने 9 दिन पहले, यानी कि जो ये महिला के ऊपर अटैक किया था वो 3 महीने 9 दिन के बाद किया था, मतलब बीच में, इस बीच उसने किसी पे कोई अटैक नहीं किया था, मतलब ये समझिए अप्रैल से लेकर के जुलाई इन 3 महीनों में बाघ ने कोई हमला नहीं किया था। तो अब क्या हुआ, लोगों के मन में जो है अलग अलग तरह की धारणाएं बन गई थी, कुछ विचार बन गए थे, होता ही है अब इतने टाइम से शांति है एरिया में, तो अब कुछ लोगों का ये मानना था कि ये जो बाघ की जो ये इंसानी खून पीने की जो प्यास है ये शांत हो गई है, तो अब वो नरभक्षी से फिर से अपना ये पशुभक्षी हो गया, यानी कि फिर से पशुओं को शिकार करने लगा है, अब इसने इंसानों को खाना छोड़ दिया है। और कुछ लोगों का ये मानना था कि बाघ बहुत बूढ़ा हो गया था और अब वो जरूर मर गया है,
की डेथ हो गई है, नेचुरल मौत हो गई है। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि बाघ की जो खालों की स्मगलिंग करने वाले लोग होते हैं, जो पोचर होते हैं, उनमें से किसी पोचर ने उसे मार दिया है और उसकी खाल निकाल करके वो यहाँ से चला गया है। लेकिन पूरे 3 महीने 9 दिन बाद आदमखोर ने जो ये घटना करी, उसने सारी बातों पर से पर्दा हटा दिया कि ना तो वो मारा गया है, ना वो मरा है, और ना ही उसकी कोई किसी तरह की प्यास बुझी है, यानी कि वो अभी भी एक्टिव है। इस महिला पर हमला करने के 1 महीने के बाद तक फिर शांति रही, फिर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर 15 अगस्त 1977 की रात के करीब 9 बजे थे, डबरा लस्यू पट्टी के पबेख गांव में एक 16 साल की लड़की, जिसे टॉयलेट जाना था, रात का समय था, वो बेचारी अपने घर से बाहर निकली और जैसे ही बरामदे के पास आई कि तभी अंधेरे में छुपे हुए बाघ ने उस पर अटैक कर दिया। अटैक होते ही वो लड़की चीखने चिल्लाने लगी। लड़की की चीखें सुनकर उसके घर के लोग दौड़ करके आ गए। अब वो दौड़ के आए तो आदमखोर लड़की को घायल करके छोड़कर वहाँ से अपना फिर जंगल में भाग गया। एक्चुअली कैनाइन दांत टूटे थे, इसलिए ले जा नहीं पा रहा था, घायल कर दे रहा था। और इस घटना के ठीक दूसरे दिन यानी कि अगले दिन, यानी कि 16 अगस्त को, 15 अगस्त और फिर 16 अगस्त 1977 की रात 8 बजे जलठा गांव में श्री जयराम का 9 साल का बेटा भगवती अपने दुमंजिले मकान से उतरकर रसोई घर के दरवाजे, रसोई घर की तरफ जा रहा था। अब वो जैसे ही रसोई घर के दरवाजे में पहुंचा था कि पता नहीं कहां से आदमखोर प्रकट हुआ और उसे झपट के पीछे से उसकी अपनी गर्दन को अपने मुंह में दबोच लिया। अब बच्चे के मुंह से जो है ना घुटी घुटी सी चीख निकली, मामा मामा करके, कैसे हो गया आवाज। अब आप लोग बेहतर समझ सकते हैं कि अगर गर्दन दबा करके तो एक घुटी घुटी सी आवाज उसकी भी निकली। अब ये भगवती की बड़ी बहन ने देखा कि उसके भाई को जो है बाघ ने दबोच रखा है और वो उसकी पकड़ में छटपटा रहा है, तो जोर जोर से अपना वो चिल्लाने लगी, बुलाते बाघन पकड़ यार, बुलाते बाघन पकड़ यार, मतलब कि भाई को बाघ ने पकड़ लिया है, बाघ ने भाई को पकड़ लिया है। तो वो अपना कर लगी, तो यार घटनाओं पर घटनाएं घटती जा रही थी। अब इस घटना का क्या अंजाम हुआ, क्या भगवती को बाघ उठाकर ले गया या उसे घायल करके वहीं छोड़ गया, इसके बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तब तक दोस्तों बने रहिए उत्तरांचल डायरीज के साथ, ठीक है ना। उत्तरांचल डायरीज यह आपका अपना चैनल है, तो आप इसे अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों, अपने कलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए। इसका प्रचार करें, प्रसार करें, ये फैले, लोगों तक पहुंचे। उत्तरांचल डायरीज हमेशा से आपका शुक्रगुजार है और भविष्य में हमेशा रहेगा, जब तक ये सांसें चलती रहेंगी। ऑलवेज थैंकफुल टू यू। जो मित्र चैनल में पहली बार आए हैं, सबको मेरा अभिनंदन, आभार और शुक्रिया। उन सभी से उम्मीद करता हूँ वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, लाइक और कमेंट करके शेयर भी कर देंगे, उम्मीद कर रहा हूँ, और मेरे को लग रहा है कि आप करेंगे ना। थैंक यू। आप सभी का चैनल को विकसित करने के लिए जो योगदान है, उसके लिए एक बार मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल तो आज्ञा दीजिए, फिर जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में इस आगे की घटना के साथ कि भगवती का क्या हुआ। तो तब तक के लिए बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय 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 माँ भारती।